डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी से मिले हम लोग और जेपी नड्डा जी से मिले हैं। आज दोपहर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे और उनका भी उनकी भी शुभेच्छाएँ लेंगे हम, और निश्चित रूप से महाराष्ट्र के विकास के लिए उनका भी विजन जो है उसको भी समझ लेंगे हम लोग, क्योंकि उन्होंने हमें शपथ ग्रहण करने के वक्त कहा था कि महाराष्ट्र के लिए कुछ भी कमी नहीं होगी, आप महाराष्ट्र के जनता के लिए जो जो करना है करो, महाराष्ट्र का सर्वांगीण विकास करो, इस विकास के लिए केंद्र सरकार भी आपके साथ है। तो यह सदिच्छा भेंट थी, ये हम लोग आज और कल मिले हैं। और एक केवल हम लोगों ने माननीय उपराष्ट्रपति जी का भी समय मांगा था, उन्होंने हमको सूचित किया, वो कर्नाटक में, उन्होंने फ़ोन पर मुख्यमंत्री जी से और मुझसे दोनों से बात की, हमको शुभकामनाएं दी, हमने उनको कहा कि आप जब भी रहेंगे हमको एक बार समय दीजिए, तो हम बाद में उपराष्ट्रपति जी को भी मिलेंगे। नहीं देखिए, मिड टर्म का तो क्या, अभी या लोकशाही में तो डेमोक्रेसी में तो आपको पता है कि सभी बातें जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, रूल्स है, उसके मुताबिक ही चलते हैं। तो एक महाराष्ट्र में जो नई सरकार स्थापित हुई है, बहुत ही मजबूत सरकार है, जिसके पास मेजोरिटी है 164 और सामने जो है 99 है, तो हम लोग मेजोरिटी में है। अभी जो मौका मिला है उसका पूरा जो उपयोग जो है ये महाराष्ट्र के विकास के लिए हम लोग करेंगे, और निश्चित रूप से जो पिछले 5 साल, मतलब ये 2.5 साल से पहले जब युति सरकार थी, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी थे, उन्होंने जो काम किया है 5 साल में, कई प्रकल्प शुरू हो गए, कई कंप्लीट हो गए, जो बीच में खंडित रहे हैं उनको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। समृद्धि जैसे जो बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग है, मेट्रो है, जलयुक्त शिवार है, ऐसे कई प्रोजेक्ट जो है जो जिसकी वजह से किसानों को फायदा होगा, बहुत बड़े पैमाने पर जो ज़मीन है इरिगेटेड होगी, लोगों को उसका, किसानों को फायदा होगा, सभी जो घटक है उनको उसका फायदा होगा, ऐसे प्रकल्प हम लोग आगे लेकर जाएंगे। और प्रधानमंत्री जी का भी महाराष्ट्र के विकास में जो विजन है वो भी समझ लेंगे, क्योंकि उनका भी आशीर्वाद, उनका भी सपोर्ट हमें मिलेगा, और ये जो मौका मिला है उसका पूरा फायदा महाराष्ट्र के जनता को, महाराष्ट्र के सरकार को, राज्य को कैसा होगा, इसमें हम लोग काम करेंगे। हम लोग शिवसेना पार्टी है, आपको मालूम है कि जो स्पीकर है विधान सभा के, उन्होंने हमें रिकग्नाइज किया है। अभी कुछ लोग कोर्ट में गए, न्याय व्यवस्था पर हमारा विश्वास है, क्योंकि हम लोग ने कुछ भी ऐसा गैर कानूनी काम किया नहीं है, मेजोरिटी को बहुत ही काफ़ी महत्व होता है, और इसलिए हम लोग नियम के अनुसार काम कर रहे हैं। तुम्हें एक मिनट चलो, शिवसेना पार्टी, हम लोग शिवसेना ही है ना, हम लोग बाला साहब ठाकरे जी की भूमिका और वो लेके गए, शिवसेना हम लोग शिवसेना पार्टी है ना, चुनाव आयोग जाएंगे, वो तो अभी की बात नहीं ना, अभी जब 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 समय आएगा तब पता चलेगा आपको। नहीं अभी तो उसके बारे में हम लोग तो कुछ सोचा ही नहीं है, क्योंकि हम खुद ही शिवसेना पार्टी है, हमारे जितने भी देखिए लेजिस्लेटिव पार्टी, शिवसेना लेजिस्लेटिव पार्टी करके विधानमंडल में हमको रिकग्नाइज किया है। देखिए हम लोग ने 3-4 बार कोशिश की, हमारे विधायकों ने भी कोशिश की, सब कुछ कोशिश हो गई है। हम लोग ने कहा था कि जो नेचुरल अलायंस है शिवसेना भाजपा की, उसके साथ हम लोग काम करें तो ये इस राज्य को आगे लेके जा सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि जो वहाँ पर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के सरकार के जो घटक पार्टियाँ हैं उनके वजह से हमारे जो विधायक है उनका ही अस्तित्व खतरे में पड़ गया था। हमारे जो बाला साहब की जो भूमिका है वो हम खुलेआम
स्पष्टता से बोल नहीं सकते थे। ऐसी परिस्थिति में हम लोग ने कई बार कोशिश की लेकिन हम लोग उसमें सफल नहीं हुए, इसलिए तो हम लोग ने ये सब कदम उठाया है। शिंदे साहब, शिंदे साहब, शिंदे साहब, जी ने कहा था कि जिन लोगों ने बाला साहब से मुलाकात हुई है, सर मेरा सवाल है कि अमित साहब से आपकी मुलाकात आप लोगों की हुई, जेपी नड्डा जी से आप लोगों की मुलाकात हुई, बहुत ही बाल सुलभ सवाल है कि मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों के बनाए जाने और बीजेपी को कितनी संख्या होगी, शिवसेना को कितना मिलेगा, कुछ वार्ता इस पर हुई? नहीं, देखिए मैंने पहले भी कहा है, एक कर्सी विजिट थी, एक सदिच्छा भेंट थी। जब हमारी सरकार नई स्थापित हुई है तो वरिष्ठों को मिलना एक परंपरा है और हम लोग मिले हैं। अभी हम लोग जाएंगे मुंबई, कल आषाढ़ी एकादशी का जो बड़ा पंढरपुर में कार्यक्रम होता है, पूजा होती है, उसमें वो होने के बाद हम मुंबई जाएंगे। मुंबई में हम लोग दोनों भी उप मुख्यमंत्री और मैं बैठूंगा, उसके बाद उसके ऊपर चर्चा करेंगे और जो आपके दिल में है उसको जल्दी। एक करके नहीं, अभी तो मैंने कहा कि हम लोग दोनों बैठेंगे तय करेंगे। नहीं, पुलिस ने तो उनको क्लीन चिट दिया हुआ है, तो उनका समावेश हो सकता है। अभी तो मैंने कहा कि हम लोग दोनों बैठेंगे तय करेंगे, अभी तो कुछ मंत्रिमंडल के बारे में हम लोग ने कुछ बात ही नहीं किया अभी, ये तो खाली हम लोग कल से सबको मिल रहे हैं। अभी आपका सवाल है, दो लाइनें मैं आपसे कहूंगा कि मुझे ये दर्द बड़ा अजीज है क्योंकि ये अपनों की दी हुई चीज है। विधानसभा परिसर और राज्यसभा में आपका जो मैनेजमेंट रहा वो बहुत अच्छा रहा, और जो बड़ा दिल दिखाया आपने आज की राजनीति में ये बहुत कम देखने को मिलता है, इसको कैसे आप बताएंगे? और दूसरा कहा है मुख्यमंत्री का शिवसेना यही है, तो फिर ठाकरे जी की शिवसेना कहाँ है, इस पर जाना। देखिए, पहले तो आप बड़ा दिल इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मैं बड़ा बना, और बड़ा किसने बनाया? मेरी पार्टी ने मुझे बड़ा बनाया, मेरी पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया, इसलिए मैं बड़ा बना। तो कोई बड़े दिल का सवाल नहीं है, पार्टी की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुरूप जो नेताओं का आदेश है उसका मैंने पालन किया है, और मुझे बहुत खुशी, और मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि मैं शिंदे जी के पूर्ण रूप से साथ में हूँ, और मैं ये मानने वाला आदमी हूँ चूंकि मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ, मुख्यमंत्री ही नेता होता है, इसलिए शिंदे जी हमारे नेता है, वो हमारे मुख्यमंत्री है, हम सब उनके साथ उनके अंडर अच्छे तरीके से काम करेंगे, और इस सरकार को सफल बनाना ये हमारी प्राथमिकता होगी। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इसमें कोई बड़े दिल की बात नहीं है, और हमको इस बात की खुशी है कि जो अन्याय हमारे साथ हुआ था, देखिए हम नेचुरल अलायंस में चुनकर आए थे और उसके बाद हमारे साथी चले गए कांग्रेस एनसीपी जिनके खिलाफ लड़े थे, तो एक प्रकार से फैसला हुआ और जो नेचुरल अलायंस था फिर एक बार महायुति की शिवसेना बीजेपी की सरकार तैयार हुई, इसकी मुझे बहुत खुशी है। नहीं, इसमें नहीं, नहीं, देखिए ऐसा है कि शिवसेना ये हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की ही है और उसी शिवसेना के साथ हमने अलायंस किया है। इसमें एक ही बात मैं कहूंगा, आपने जो सवाल उठाया था कि बड़े दिल की बात, सही बात है कि बीजेपी के पास 115 विधायक थे, लोग कहते थे कि बीजेपी हमेशा सत्ता के पाने के लिए तोड़फोड़ करती है, सब कुछ करती है, लेकिन अभी जिनके पास 50 MLA है जो मेरे पास, और बीजेपी के पास 115 है, ये जो लोगों की परसेप्शन थी, लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि अभी तो मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही बनेगा, लेकिन एक भूमिका जो बाला साहब ठाकरे जी की भूमिका जो है, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे जी का हिंदुत्व नकार दिया, उनके साथ तो हम लोग जा नहीं सकते, ये हमारी भूमिका लेके हम गए, तो उन बाला साहब ठाकरे जी हिंदुत्व की भूमिका को ही बीजेपी ने सपोर्ट करके, जो पब्लिक में परसेप्शन था कि सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी कुछ भी करते है, अभी बोल सकते क्या? अभी नहीं बोल सकते, क्योंकि एक विचारधारा, एक भूमिका हम लोग ने ली, इसलिए मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है, और निश्चित रूप से इस जो मौका मिला है उसका फायदा जो है लोगों के लिए हम करेंगे। सर, अच्छा
द लेडी फर्स्ट देन यू, यू विल बी लास्ट। नहीं, संपर्क तो पहले को बहुत हम लोग ने भी किया, कोशिश भी की, लेकिन अभी आपको मालूम है कि ये हमारी जो कोशिश थी तो हम लोग उसमें ना क्या कामयाब नहीं हुए। और बाला साहेब ठाकरे जी ने हमेशा कहा था ये कांग्रेस राष्ट्रवादी ये हमारे शत्रु हैं, उनके साथ हम कभी नहीं जाएंगे, अगर कभी ऐसा जाने का समय आया तो मेरी शिवसेना बंद कर दूंगा। तो अभी हम लोग ने गलत काम किया ही नहीं, हम उनके साथ जो नेचुरल अलायंस है, जो बाला साहेब ठाकरे जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, प्रमोद जी महाजन, उन्होंने जब शुरुआत की थी, तो ये जो अभी बोलते हैं उनके ऊपर हमें कोई उत्तर देने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं फिर साफ शब्दों में कहता हूँ कि पोर्टफोलियो वगैरह कोई चर्चा हमारी नहीं हुई। जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया, ये सारी चर्चाएं मुख्यमंत्री जी जब आषाढ़ी की पूजा करके पंढरपुर से लौटेंगे उसके बाद प्राथमिक चर्चा हम दोनों बैठकर करेंगे। जूनियर पार्टनर को कैंडिडेट को सीएम बनाया वहां पर जबकि वो डिक्लेयर फेस थे, पर महाराष्ट्र में आपके पास एस्टेब्लिश लीडरशिप थी, आप खुद सीएम थे, वहां से आपके सीएम को डिप्टी सीएम बनाया, पार्टी के काडर को वर्कर को नीचे क्या मैसेज जाता है? देखिए, पार्टी का कैडर और वर्कर खुश है, इसका कारण उसको जो 2019 में ऐसा लगता था कि हमारे साथ धोखा हुआ है, ही फेल्ट इंसल्टेड, उसको लगता था कि हमने साथ में मिलकर वोट मांगे, 105 सीटें हमने लाई, हमारे साथी को इतनी सीटें मिली 56, क्लियर मेजॉरिटी हमको मिली, और बावजूद उसके जिनके साथ मिलकर हमने वोट मांगा वो हमको छोड़कर चले गए। तो इसलिए पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के मन का दर्द इस सरकार ने दूर किया है। आपने पैकेज की बात कही, पैकेज की जरूरत ही नहीं है, महाराष्ट्र के पीछे पूरी केंद्र सरकार खड़ी है, पैकेज तो छोटा सा होता है, ये तो पूरी सरकार खड़ी है। चलिए, थैंक यू। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।